नमस्ते सर, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ सर। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, यानी पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि परचेस ऑर्डर क्या होता है, तो आज हम जानेंगे स्टूडेंट सेल ऑर्डर क्या होता है और सेल ऑर्डर टैली में बनाने का सही तरीका क्या है। यानी अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर कारीगरी जो पार्टी होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, वो एक स्टेट टोटल यानी कच्चा बिल एक बना देते हैं, हाँ से एक मैनुअल बना देते हैं, उस मैनुअल का फिर फाइनल बिल बनाते हैं पक्के बिल में। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि भविष्य में एक चालान, जिसको आप सेल ऑर्डर भी कह सकते हैं, चालान कह सकते हैं, उसको भी कंप्यूटराइज मेंटेन करना चाहे, जिससे भविष्य में अगर कोई बात हो इसका रिकॉर्ड आपको देखना चाहे तो टैली में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली में सेल ऑर्डर मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे। इन टैली आरपी 9 द ऑर्डर प्रोसेसिंग इज लाइक्ड टू इन्वेंट्री, दीज अलाउ द ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्डर पोजीशन फॉर ए स्टॉक आइटम। यूज इन दिस यू कैन ट्रैक द अराइवल ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड एंड वेदर्स इज द ऑर्डर्ड स्टॉक आइटम आर द डिलीवर्ड ऑन टाइम एसेट्रा। तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम कस्टमर से बिक्री के उद्देश्य से लिखित में ऑर्डर प्राप्त करते हैं। सेल ऑर्डर में माल की सूची, उसकी मात्रा और उसकी रेट लिखित में दर्ज की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट इसको टैली पे कैसे अलाउ करना है, कैसे इसका मेंटेन करना है, तो आपके सामने टैली भी चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले एक सेल ऑर्डर नाम से कंपनी बना लेते हैं स्टूडेंट, सेल ऑर्डर। ध्यान से देखते चलिएगा, ये सेल ऑर्डर नाम से कंपनी बन गया स्टूडेंट। और यहाँ मैं, जैसे आप जानते हैं, कंपनी क्रिएशन प्रोसेस वही पुराना है, आप कंपनी मैंने बना के सेव कर दिया स्टूडेंट। सेव करने के बाद आपके सीधे गेटवे ऑफ टैली आपको नजर आ रहा है। वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हमें इस मेंटेन करने के लिए कहाँ जाना होगा, F2 फंक्शन में जाना होगा, जहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स मिलेगा हमें। तो वापस हम लोग आते हैं, 11 F11 प्रेस करते हैं। F11 में आपको स्टूडेंट हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स पे एंटर करेगा और वहाँ पे स्टूडेंट आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा है ना, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको मेंटेन सेल ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट की है अल्टर प्लस F5 स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग टैली पे चलते हैं और यहाँ पे आपके सामने सेल ऑर्डर यानी परचेज ऑर्डर मैंने पिछले वीडियो से बताया गया, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। और ये दूसरा ऑप्शन है सेल ऑर्डर, आप सेल ऑर्डर यहाँ पे यस करिएगा। यस करने के बाद आप डेटा सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट, ये सेव कर लीजिएगा पूरा। वापस फिर स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आएगा और वहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, वापस हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले अकाउंटिंग बाउचर में जाकर हम सेल ऑर्डर को यस करेंगे। तो वापस स्टूडेंट हमें आते हैं अपने अकाउंटिंग बाउचर में और इंटर करते हैं। यहाँ पे उसका शॉर्टकट की सेल ऑर्डर का मैंने बताया है अल्ट्रा प्लस F5। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेल ऑर्डर आकर अल्ट प्लस F5 जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ जहाँ पेमेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट, वहाँ पे आपका सेल ऑर्डर का साइन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सेल ऑर्डर। अब स्टूडेंट हमें किससे ऑर्डर लेना है, इस पर क्या क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन आपके पास सामने स्क्रीन पर। एंड सेल ऑर्डर, ठीक है, सेल ऑर्डर एंड आइटम्स टू द प्रभात इलेक्ट्रॉनिक, यानी सेल ऑर्डर हमें प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को माल सप्लाई करना है, उनसे सेल ऑर्डर लेना है। सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 100 पीसेस, चाहे एक एक पीस का दाम है 5400 और ऊपर आपके टॉप पे सेल ऑर्डर नंबर डाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग अल्ट्रा सी से एक प्रभात इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बना देते हैं स्टूडेंट, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक। ये स्टूडेंट एक शॉर्ट में मैंने लेजर बना दिया, ये डेप्टर्स है यानी माल इनको बेचा जा रहा है, इसे सेल ऑर्डर लिया जा रहा है और डेटा को हम यहाँ पे सेव करा दें। सेव कराने के बाद यहाँ पे अगर प्रभात का नाम पता, एड्रेस आप पहले से डाल सकते थे जो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ सेल ऑर्डर नंबर आपको स्टूडेंट लेना है, सेल ऑर्डर नंबर हमारा क्या है स्क्रीन पर 102, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में सेल ऑर्डर लिख देंगे, सेल ऑर्डर शॉर्ट में लिख दिया और 102 ये ऑर्डर नंबर है स्टूडेंट आपके सामने लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर यहाँ डाल दिया। इसके बाद एंटर करेगा और मुझे क्या ऑर्डर लेना है स्टूडेंट,
एंड मुझे लेना है ये सैमसंग मोबाइल का ऑर्डर लेना है 100 पीस का, यानी बेचने के लिए। तो यहाँ पे अल्ट्रा सी स्टूडेंट लेते हैं और सैमसंग मोबाइल का एक लेज़र बना लेते हैं स्टूडेंट। सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर पूरा लिखेगा एंड C100 ये लिख दिया स्टूडेंट, इंटर। ये सब ऑप्शन आप जानते होंगे। अल्ट्रा सी से मैंने यूनिट भी बना लिया स्टूडेंट एंड सेव करा दीजिएगा, सेव। अब यहाँ पे स्टूडेंट इंटर करेगा कितने पीस का ऑर्डर चाहिए, 100 पीस, और रेट एक पीस का कितना दिया हुआ स्टूडेंट, आप एक पीस का ऑर्डर दिया हुआ है 5400, वन पीस का ऑर्डर है। तो यहाँ पे मैंने 5400 डाल दिया, एंटर करेगा 540000 का बिल का ऑर्डर जनरेट हो रहा है, एंटर। और यहाँ पे स्टूडेंट अल्ट्रा सी से सेल का लेजर बना लीजिएगा, सेल अकाउंट, सेल को सेल में डाल के सेव करा लीजिएगा और एंटर, एंटर एंड सेव, एंटर सेव। ये स्टूडेंट सेल ऑर्डर का रसीद आपके बन के चाय बिल बन गया आपका। अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो अभी हम मैंने परसों तो किया नहीं, डायरेक्ट मैंने सेल किया हुआ था यहाँ, तो इसलिए स्टॉक कुछ दिखाएगा नहीं, यानी कोई ऑर्डर आपके पास है रिलीज नहीं हुआ। और पार्टी का अकाउंट आप देखेंगे DL करके अकाउंट स्टेटमेंट में जाकर, तो वहाँ भी उनके बिल में किसी भी प्रकार का इन्वॉइस यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ स्टूडेंट। तब हमें इसका एक फाइनल सेल यानी ऑर्डर लेने के बाद एक फाइनल पक्की बिल बनाई जाती है, और पक्की बिल बनाने के लिए वही शॉर्टकट किया आपका पुराना है। वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे फाइनल सेलिंग ट्रैक फॉर ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा इन्वॉइस वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका। तो इसमें किस में करना है, एफेट यानी फाइनल बिल किस में मिलता है, एफेट फंक्शन में। तो वापस स्टूडेंट हम एफेट डालते हैं यहाँ पे, एफेट में आगे और इंटर करेंगे, यहाँ पे प्रभात इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, एंटर। तो एंटर करते हुए नीचे आएंगे आप, सेल ऑर्डर जैसे प्रोसेस आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर आपको नंबर मिलेगा, इसको ट्रैक कर लीजिएगा और इंटर कर लीजिएगा, पूरा का पूरा बिल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट के। आ गया ये पूरा सेल ऑर्डर नंबर, इंटर एंड सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका फाइनल बिल बन के तैयार हो गया। चेक करना है तो स्टॉक में आपको जाएंगे तो दिखाएगा यहाँ पे किस चीज़ का आपने ऑर्डर रेज किया हुआ है। स्टॉक सर्विस में देखें यहाँ पे सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर यानी कि 100 पीस, तो ये माइनस पीस दिख रहा है कि मैंने परचेज नहीं किया, मैं डायरेक्ट सेल किया हूँ स्टूडेंट। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सर ऑर्डर बन गया यहाँ पे। और पार्टी का अकाउंट देखेंगे तो वहाँ भी आपको उनके अकाउंट में भी ये आपका बिल जनरेट हो चुका है। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पार्टी का अकाउंट के प्रभात इलेक्ट्रॉनिक में सेल ऑर्डर यानी ये फाइनल सेल 540000 का ये बिल बनके तैयार हो गया। तो ये है स्टूडेंट सेल ऑर्डर एंट्री का टैली में एंट्री करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि सेल ऑर्डर कैसे मेंटेन करना चाहिए, सेल ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या है और उसको क्यों मेंटेन करना चाहिए टैली में। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग का काम करते हैं, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो हर चीज को कंप्यूटराइज मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, यानी मैनुअल का काम एकदम जीरो के बराबर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड को मिलान करने में आपको आसानी रहे, वो चीज़ कहाँ पे रखा गया, कब मेंटेन किया गया, तो ये सेल ऑर्डर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो उसको शेयर कीजिए मित्रों को जो अकाउंट लाइन में काम करते हैं या करने वाले हैं। और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।